गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के बारे में। रेलवे की तरफ से जो है ग्रुप डी की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ गई है 2019 की, तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो फ्रेंड, रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ गई है, चलिए इसके बारे में वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन की बात कर ली जाए तो आपका 12/3/2019 से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 12/4/2019 है, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम कब होगा, CBT सितंबर अक्टूबर 2019 में होगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात कर ली जाए तो 1,03,769 वैकेंसी है, ठीक है। 1,03,769 वैकेंसी है जो कि अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करी जाए, जो जॉब्स हैं, नंबर ऑफ़ जॉब्स, उसमें 17 टाइप के जॉब्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपका एज जो है 18 से 33 साल का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10वीं होना या ITI किया हुआ होना, लेकिन अगर आप 10वीं में अपियर हो रहे हो तो इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ITI के लास्ट ईयर में अपियर हो रहे हो तो इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, 10वीं टोटल पास होना, ITI टोटल पास होना, तभी इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ली जाए तो OBC एंड जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये, SC ST PWD के लिए 250 रुपये। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको भी 250 रुपये ही लगेगा, ठीक है। और आपका ये 250 रुपये टोटल आपको रिफंड कर दिया जाएगा, और जो जनरल और OBC कैटेगरी वाले हैं, 500 रुपये फ़ी पे करने वाले, उनको 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा एक ही, जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। इसमें 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रखा गया है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। सिलेबस की बात करी जाए तो मैथ्स का सिलेबस काफ़ी ईजी है। सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम, फिर बॉड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंटरी, स्टैटिस्टिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। ये हो गया मैथ्स का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस की बात करी जाए तो आपका एनालॉगीज, अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट एंड एजप्शन, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का हो गया। जनरल साइंस का जो है 10th स्टैंडर्ड लेवल का CBSE पैटर्न का, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड लेवल के। जनरल अवेयरनेस की बात कर जाए, करंट अफेयर पे जो होते हैं उसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट करंट अफेयर में हुआ उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपका PET का एग्ज़ाम होगा, CBT के बाद PET। इसमें मेल कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, 35 किलो का वजन जो है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर अंदर आपको पहुँचाना पड़ेगा बिना उस वजन को गिराए, ठीक है। उसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट को 20 किलो वजन 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर अंदर लेके जाना है बिना वजन को हटाए, ठीक है, मतलब बिना वजन को गिराए हुए, ठीक है। उसके बाद मेल कैंडिडेट को जो है रनिंग करना है 1000 मीटर तक 4:15 में, ठीक है। मेल कैंडिडेट को 1000 मीटर तक रनिंग करना है 4:15 के अंदर अंदर। बात कर ली जाए फीमेल कैंडिडेट की तो उनको भी जो है 1000 मीटर तक रनिंग करना है, लेकिन टाइम जो है 5:40 के अंदर अंदर आपको 1000 मीटर तक रनिंग करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अपने रीजन से जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय।